सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो या बैंकिंग या एसएससी या कोई भी एग्जाम हो जो इंडिया में होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन या उससे अधिक क्वेश्चन भारत और इसके स्टेट से जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग भारत के सभी राज्यों, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, तो इन सभी के बारे में मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा जिससे हमको इन्हें याद रखने में आसानी हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस के इस नए सेगमेंट में जिसका नाम है भारत के राज्य। भारत के जिस राज्य के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नागालैंड। नागालैंड यानी नागाओं की धरती। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में एक राज्य है, आप देख सकते हैं इसकी राजधानी है कोहिमा, और इसके पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है जिसका नाम है म्यांमार। यहाँ पर देख सकते हैं म्यांमार का बॉर्डर है। और जो नागा लोग हैं, जो नागा ट्राइब है नागालैंड में, ये मेनली नागालैंड में रहते हैं इस, लेकिन इसके अलावा ये लोग मणिपुर में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, ये जो पूरे बेल्ट है और म्यांमार के जो एरिया है यहाँ पे बहुतायत में नागा लोग रहते हैं। नागा लोग में भी कई ट्राइब हैं, सिर्फ नागा लोग एक ही ट्राइब नहीं है, इसमें कई ट्राइब हैं, कई उनके उपजातियां भी हैं, उप जनजातियां भी हैं, तो ये सब लोग यहाँ पे रहते हैं। नागालैंड का एक थोड़ा डिटेल्स मैप है, आप देख सकते हैं नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और नागालैंड का जो सबसे बड़ा शहर है वो दीमापुर। ये दीमापुर है, यहाँ पे असम राइफल का जो ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ यहीं पे है दीमापुर में ही, और नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है, ये देख सकते हैं पेरेन डिस्ट्रिक्ट है। पेरेन डिस्ट्रिक्ट में नागालैंड का जो नेशनल पार्क है वो पेरेन डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें नागालैंड के मुख्यमंत्री की, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं इस समय नेफ्यू रियो। इस समय अप्रैल 2021 चल रहा है, अप्रैल 2021 चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस समय यहाँ पे मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। आगे जब कभी आप वीडियो देख रहे हैं जो बाद में देख रहे हैं तो उस टाइम के लिए अपडेट कर लीजिएगा। और इसमें नागालैंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आर एन रवि, ये हैं आर एन रवि साहब, और इस समय वहाँ के राज्यपाल हैं। बात करें नागालैंड के इतिहास की, तो नागालैंड में ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है, देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा जो एरिया है पूरा असम जो स्टेट है, असम स्टेट के ही अंदर आता था, पूरा आज़ादी तक जो है पूरा असम के ही अंडर में आता था। इसका टाइमलाइन देख लेते हैं, 1816 के आसपास बर्मीज जो थे यहाँ पे आक्रमण कर देते हैं असम पे, और इसका पूरा एरिया जो है अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे ये 1824 में पुनः आक्रमण करते हैं बर्मीज पे, बर्मा पे, और जो है 1826 में इसको अपने कब्जे में पुनः अपने कब्जे में लेने में कामयाब होते हैं। माना जाता है ब्रिटिश इंडिया में सबसे लंबा जो चलने वाला युद्ध था, जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला हुआ युद्ध था, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ था वो यही था जो एंग्लो और बर्मीज युद्ध था। तो 1826 में जो है असम जो है पूरी तरह से इंडिया के कब्जे में आ जाता है, यानी ब्रिटिश इंडिया के कब्जे में आ जाता है। तो लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, जो भारतीय आर्मी थी, वो यहाँ पे पहुँचने में शुरू से कामयाब नहीं हो पाती है, इनको यहाँ पहुंचने में लग जाते हैं 1828। 1828 में जो नागालैंड के कुछ स्टेट, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं या कुछ पहाड़ियां हैं वहां पे पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन ये मेनली पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा जंगली एरिया है, यहाँ पे अलग अलग ट्राइब रहते हैं, सबसे संवाद करना, सबके पास पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये लोग क्या काम करते हैं, पहली बार 1832 में यहाँ पे पहुंचने में किसी तरह कामयाब होते हैं, उसके बाद इनको समझ में आता है कि यहाँ पे पहुंचना इतना ईजी नहीं है, तो एक 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 करके अपने मिशनरीज जो थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, यहाँ पे भेजना स्टार्ट कर देते हैं, और ये लोग ये लोगों को धीरे धीरे कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस समय नागालैंड में, जैसे आप जानते होंगे नागालैंड में इस टाइम लगभग 88% जो है क्रिश्चियन है। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे स्टेट का सबसे पहला स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में क्रिश्चियन है। दूसरे नंबर पे मिजोरम है, उसका भी लगभग 88 ही है, लेकिन कुछ पॉइंट में जो है ज्यादा है नागालैंड, 87.6 या 6 ऐसे कुछ है, और जो मिजोरम है 87.33 ऐसे कुछ है। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे आप।
बात करें 1832 के बाद से इस तरह से पूरा तरह से कन्वर्जन चलता रहता है, और 1914 आते आते यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, पहला वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, और इसमें बहुत से संख्या में नागाओं की भर्ती की जाती है। इनको अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में लड़ने के लिए भेजा जाता है ब्रिटिशर की तरफ से, जो ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हैं जाके। और ये लोग जब यूरोप में जाते हैं, ये लोग पढ़े लिखे रहते हैं, तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी कंट्री बन रही हैं कहीं पे, जैसे बेल्जियम या जर्मनी, जर्मनी में भी कई छोटे छोटे कंट्री थे उस टाइम। तो इस तरह से ये लोग देखते हैं कि जब छोटी छोटी कंट्री यूरोप में बन सकती है, तो इंडिया में क्यों नहीं बन सकती है। तो 1918 में जब विश्व युद्ध खत्म होता है, तो ये लोग वापस इंडिया आते हैं, और यहाँ पे आके ये लोग नागा क्लब नाम से एक संगठन बनाते हैं, और इनका मेन मकसद रहता है कि ये लोग डिमांड करते रहते हैं कि जो इंडिया जब आजाद होगा या कुछ भी हो, तो इनको जो है अलग देश बनाया जाए, इनको इंडिया का पार्ट न माना जाए। इस तरह से ये लोग ट्राई करते रहते हैं। और जब 1929 में साइमन कमीशन इंडिया आता है, तो ये लोग अपना एक मेमोरेंडम उसको सौंपते हैं, और उनका मेन मांग इसमें यही रहता है कि जब भी इंडिया आजाद होगा, क्योंकि धीरे धीरे 1930 तक आते आते ये बात क्लियर हो गई थी कि ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया छोड़ के जाएंगे और भारत एक आजाद मुल्क होगा, तो ये लोग अपना मेमोरेंडम जो है सौंपते हैं ब्रिटिशर्स को या साइमन कमीशन के सामने, और इनका मेन मांग यही रहता है कि हमको इंडिया के साथ ना मर्ज किया जाए, हमको एक अलग देश बनाया जाए, अगर देश नहीं बना सकते हैं तो हमको एक अलग स्टेट बनाया जाए, या हमको स्वायत्तता पूरी तरह से दी जाए, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से इनसे अलग हैं, हम लोग ट्राइबल हैं, तो हम लोग का कल्चर अलग है, हम लोग कस्टम अलग है, इस तरह से हमको एक अलग स्वायत्तता दी जाए या अलग मुल्क दिया जाए, तो ये मांग इनका चलता रहता है। तो 1945 में ये लोग एक नया संगठन बनाते हैं जिसका नाम रहता है नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल, नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल, क्योंकि यहाँ पे आसाम में 1935-36 के जब साइमन कमीशन के सामने अपना मांग सौंपे थे लोग, इसके कुछ साल बाद यहाँ पे असम के ही अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट बना दिए जाते हैं जिनका नाम रहता है नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट। तो ये लोग अपना नया 1945 में नया संगठन बनाते हैं जिसका नाम रहता है नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल, तो फिर उसका पुनर्गठन करते हैं 1946 में, 1946 में इसका पुनर्गठन होता है जिसका नाम रखा जाता है एनएनसी, यानी नागा नेशनल काउंसिल। थोड़ा इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा जगह हो जाए। नागा नेशनल काउंसिल में जो इसके मेन लीडर रहते हैं फिजो, फिजो जो हैं इनका नाम आता है अंगामी, जब 1946 में बनता है संगठन एनएनसी, इसके मेन लीडर जो रहते हैं वो रहते हैं अंगामी, अंगामी जेपू फिजू, इसके मेन लीडर रहते हैं। इनका मांग रहता है कि हमको स्वायत्तता दी जाए पूरी तरह से, या हमको अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, कि जैसे भारत में अगर हम लोग रहते हैं तो हमको अलग से चुनने का, जैसे नागाओं को सिर्फ नागा लोग चुने, इस तरह से हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, जबकि भारत में किसी भी स्टेट को ऐसी अधिकार नहीं दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू इनको साफ साफ मना कर देते हैं। जब भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो ये लोग एक दिन पहले ही अपनी अपना आजादी घोषणा कर देते हैं 14 अगस्त को, और ये लोग अपने आप को अलग देश देश की तरह प्रेजेंट करने लगते हैं। तो इस तरह से लेकिन बात चलता रहता है भारत मतलब इंडिया से, और मतलब जवाहरलाल नेहरू या उनके जो सरकार रहती है उससे, भारत सरकार और नागा जो फिजो रहते हैं, फिजो से जो इनका संगठन रहता है एनएनसी, इनका आपस में बातचीत चलता रहता है, लेकिन ये 1952 तक आते आते पूरी तरह से ये संगठन फेल हो जाता है, मतलब ये बातचीत पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो ये जो क्या करते हैं फिजो, 1956 में एक अपना अंडरग्राउंड गवर्नमेंट जो है, जो पर्दे के पीछे रह के या भाग के कहीं छुप के अपना एक सरकार बना लेते हैं, अपना सरकार की घोषणा करते हैं जिसका नाम रहता है नागा फेडरल गवर्नमेंट, नागा
गवर्नमेंट। इसमें कई मंत्रालय भी रहते हैं, जैसे वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फॉरेन मिनिस्ट्री, या जैसे विदेश मंत्रालय। और अपना एक आर्मी भी बनाते हैं जिसका नाम रहता है नागा फेडरल आर्मी। और ये लोग अंडरग्राउंड होके इंसर्जेंसी करते रहते हैं, हथियार उठाए रहते हैं, जो भारत सरकार के खिलाफ, भारतीय सैनिक के खिलाफ लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग नेता थे जो मॉडरेट टाइप के थे, जो नरम दल के लिए माने जाते थे। तो 1957 में एक समझौता करते हैं भारत से कि ये लोग अपना हथियार डाल देंगे अगर इनको एक अलग स्टेट बना दिया जाता है, और इनके कुछ अधिकार जो हैं, इनके कस्टम जो हैं, उनको उनके जो इनके जो कस्टम्स हैं यानी इनके जो कल्चर है उसको स्वायत्तता दिया जाए, उनको पालने की पूरा आज़ादी दी जाए। तो भारत सरकार को इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो भारत ने उनकी इस मांग को मांग लिया और एक अलग स्टेट बनाने की अपना सहमति दे दी। तो 1957 में 1957 में ये मांग पूरा पूरा होता है, और 1958 में 371A इंट्रोड्यूस किया जाता है भारतीय संविधान में, जिसके अंतर्गत नागालैंड को कई अधिकार दिए जाते हैं, उनके कस्टम को, उनके कल्चर को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी। अगर भारत की संविधान से उनके कोई क्लेश होता है, कोई टक्कर होता है, तो हमेशा जो है नागालैंड के जो कस्टम या उनके जो कल्चर है उसको मान्यता दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरह से इनकी मांग भी पूरी हो जाती है। तो ये लोग के सामने कोई अब कारण नहीं था कि ये लोग अपना हथियार उठाएं या इनकी बात ना माने। तो इस तरह से पूरी तरह से ये लोग अपना हथियार रख देते हैं। और 1962 में भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, और 1963 को 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक भारत का 16वां राज्य बन जाता है, भारत का 16वां राज्य बन जाता है। जो एनएनसी थी, उसका जो इंसर्जेंसी थी वो चलती रहती है, जो फिजो थे वो लंदन भाग जाते हैं, लेकिन उनका जो संगठन था यहाँ पे काम करता रहता है। लेकिन उससे भी 1975 में एक समझौता हो जाता है, जो सीज फायर समझौता होता है उसमें, और वो भी पूरी तरह से इंडिया में मिलने के लिए शामिल हो जाते हैं। लेकिन उनका कुछ मांग रहता है जो अभी तक चल रहा है, उसके बाद उनका भी संगठन टूट जाता है, उसमें कुछ युवा नेता रहते हैं, वो नहीं मान पाते हैं कि उनको इंडिया के साथ जाना चाहिए। इस तरह से 1980 में जो एनएनसी है उसका एक डिवीजन बन जाता है, जो इसका नाम रहता है नागा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल। ये भी इंसर्जेंसी चलाते रहते हैं, लेकिन इनका भी धीरे धीरे ये लोग भी मान जाते हैं। और अभी जो है इस सीज फायर जो समझौता ये चल रहा है, और धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला है। इनका मेन मांग है कि इनको अलग झंडा दिया जाए, जो शायद ही माना जा सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात करें नागालैंड की संस्कृति की, तो नागालैंड को बोला जाता है लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। लैंड ऑफ फेस्टिवल्स इसलिए बोला जाता है कि नागालैंड में एक ही है, लेकिन भाषा लगभग एक ही है, लेकिन बोली जो है सबकी अलग अलग है। तो इस तरह से नागालैंड को द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स बोला जाता है। नागालैंड में मेनली 16 जनजातियां हैं, इन सभी की बोलियां अलग अलग हैं। देख सकते हैं अंगामी या चेकसंग, 1 मिनट पास करके आप इनको पूरा पढ़ लीजिएगा। ये जो 16 जनजातियां हैं, इनकी कई उपजाति उप जनजातियां हैं, और सबके कल्चर अलग हैं, सबके कस्टम अलग हैं, सबके फेस्टिवल्स अलग हैं। ये नागालैंड का एक फेमस जो फेस्टिवल है उसका पिक्चर है, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो नागालैंड का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। अब बात करें नागालैंड में स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो नागालैंड में एक नेशनल पार्क है, नागालैंड में स्थित नेशनल पार्क है नापांगिकी नेशनल पार्क, जो पेरेन डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ इसके अलावा यहाँ पे एक नेशनल पार्क हो गया, और यहाँ पे 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इस तरह से नागालैंड के बारे में हम लोग जाने हैं, पढ़े हैं, और इसको समझने में मुझे पूरी तरह से आशा है कि आप लोग इसको समझने में आसानी होगी। तो मिलते हैं अगले किसी नए स्टेट के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, धन्यवाद, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।